व्हाट्स अप गाइस, दिस इज राहुल शर्मा। स्वागत है सब लोगों का मेरे फिटनेस चैनल आरएस फिटनेस पे। सो सबसे पहले थैंक यू उन सब लोगों को जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी, उसे सब्सक्राइब किया चैनल को, वीडियो पे अच्छे कमेंट्स किए, उसे लाइक किया। थैंक यू सो मच। सो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे उस एक्सरसाइज के बारे में जो आपका बेली फैट एक हफ्ते में कम करेगी। बिल्कुल सही, आज हम उन चार मेजर एक्सरसाइज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपका बेली फैट एक हफ्ते में रिड्यूस करेगी और आपको हेल्प करेगी आपका बेली फैट कम करने में। सो अगर आपको मेरे इस वीडियो का कंटेंट समझना है तो सबसे पहले आपको मेरी पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें मैंने आपको बताया है कि आपको फैट के लिए क्या चीज लेनी चाहिए, आपको क्या नहीं लेनी चाहिए, कौन से हमारे हेल्दी फैट्स हैं और कौन से हमारे अनहेल्दी फैट्स हैं। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमने उन चार एक्सरसाइज के बारे में जो आपका बेली फैट कम करेंगी। तो एक्सरसाइज नंबर वन, एक्सरसाइज पर ही एक्सरसाइज है हमारी क्रंचेज। क्रंचेज क्या है, ये बाप है। जब तक आप इन एक्सरसाइज में क्रंचेज नहीं करेंगे तब तक आपका बेली फैट कम हो ही नहीं सकता। बेली फैट कम करने के लिए आपको क्रंचेज करने पड़ेंगे। एज यू नो, हर कोई जानता है कि क्रंचेज क्या होते हैं, कि जमीन पे लेट के आपको अपने अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करना है। अगर आपके हाथ पीछे लगाने से आप ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं तो अब अपने हाथों को सीधा रख सकते हैं। सीधा रख के ऊपर उठने की कोशिश करिए। 10 आपको मिनिमम हमने रैप निकालने हैं, 3-3 का आपको सेट बनाना है। 3 से कम सेट नहीं चलेंगे, 3 सेट करिए और 10-10 का रैप आप हमने रेपुटेशन ले सकते हैं। मिनिमम 10 रेपुटेशन है, 3 सेट होंगे। दूसरी एक्सरसाइज हमारी होती है बाइसिकल क्रंचेस। बाइसिकल क्रंचेस में क्या होता है कि बाइसिकल क्रंचेस में हमने आपके पैर से हवा में रहेंगे और आपको हमने अलग अलग इंडिविजुअल अपने जिसे कहते हैं ना घुटने, उन घुटनों पे आपको अपनी कोहनियां लगानी होंगी। कैसे लगानी होंगी, अपने हाथ अपने पीछे रख के पैर आपके हवा में रहेंगे, जमीन पे नहीं, हवा में पैर रहेंगे आपके, दोनों के दोनों पैर हवा में रहेंगे। पहले अपने राइट कोहनी से अपने लेफ्ट घुटने को और लेफ्ट जो आपका ये लेफ्ट कोहनी होगी उससे अपने राइट घुटने को, ये सीक्वेंस ऐसे चलेगा। 10 रेपुटेशन लगाने हैं, 1 2 1 2। ये एक हिसाब की लेट के होगी, मैं बैठा हुआ हूं, बैठ के नहीं, लेट के एक्सरसाइज होगी। तीसरी एक्सरसाइज हमारी लेग डाउन। बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है, आपने कई बार लोगों को देखा होगा इस एक्सरसाइज करते हुए जिम में, देखा होगा कि उस हमने जमीन पे वो लेटे होते हैं, अपने पैर को ऊपर उठाते हैं और नीचे लेके जाते हैं। इसमें आपको बस एक चीज का सबसे अच्छे से ध्यान रखना है कि जब आप अपने पैर को नीचे लेके जाओगे तो पैर जमीन पे टच नहीं होने चाहिए। अगर पैर जमीन पे टच हुए तो आपका मतलब जो आप अपने मेजर एरिया को टारगेट कर रहे हो वो रिलैक्स हो जाएगा। मेजर ये मतलब आपका पेट पे, अगर हमने आप पैरों को जमीन पे लेके जाते हो तो आप एक रिलैक्सेशन मोड में चले जाओगे, आपके पेट पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जब तक पैर आपके हवा में रहेंगे, नीचे आप पैर लेके गए बस यही पे रोक देना है, फिर ऊपर आप उसको फिर स्टार्ट करोगे, फिर ऊपर आपके पैर जाएंगे, फिर आपके पैर नीचे जाएंगे, हवा में रहेंगे, पैर आपके जमीन पे टच नहीं होने चाहिए, पैरों को आपको हवा में रखना है। ओके, अब एक्सरसाइज नंबर 4। चौथी एक्सरसाइज हमारी प्लैंक। ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा अपनी लाइफ में, जब आप कभी वॉक पे जाते हो, कभी पार्क में जाते हो, आपने कई बार लोगों को करते हुए देखा होगा। प्लैंक कुछ नहीं है, आप जमीन पे मुंह के बल उल्टा लेट जाइए, अपने कोहनियों को ऐसे जमीन पे रखिए, आपके कोहनियां जमीन पे रहेंगी और आपको अपनी उसी सेम पोजिशन को 30 से 60 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है। याद रखिए 30 सेकेंड आपकी मिनिमम होगी। होता है कुछ लोग 10-10, 15-15 या फिर 20-20 सेकंड में टूट जाते हैं, पर कोशिश करिए कि आप 30 सेकंड तक खींच के जाए। टाइम बेस्ड एक्सरसाइज है, 30 सेकंड आपका मिनिमम होगा, मैक्सिमम आपके 60 सेकंड होंगे। ये आपके पेट पे बहुत मेजर इंपैक्ट करेगी, बहुत सही है। सो स्टे फिट, स्टे हेल्दी, जय।